सो कैसा चल रहा है आपका 20 दिन का काप साइकिल? गाइज आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने काप साइकिल आपको डाइट दी है, 20 दिन की डाइट दी है। आई होप आपका अच्छा चल रहा हो। एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, बस 2 हफ्ते और है और मुझे रिजल्ट बताना ज़रूर, मैं आपका वेट कर रही हूँ गाइज। साथ ही मैंने कमेंट में देखे थे, बहुत सारे कमेंट आए थे भाई कि इस डाइट के साथ कौन सी एक्सरसाइज हमें फॉलो करनी है जिससे हमारी बॉडी में रिजल्ट आए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें मैंने प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट की डाइट भी दी हुई है। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस डाइट के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करें। तो ये जो वर्कआउट है मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये इसे आप काप साइकिल डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं गाइज। जिन्होंने काप साइकिल की डाइट नहीं देखी है मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। प्लस गाइज ये वर्कआउट उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ ये वर्कआउट भी मत करना, क्योंकि बिना डाइट के कोई आपकी बॉडी में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट हल्का फुल्का आ भी गया ना तो जैसे ही वर्कआउट छोड़ोगे फिर गेन हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ये वर्कआउट तो ऐसे ही था, मतलब दोबारा गेन हो गया। गेन रहने का रीज़न यही होता है कि आप अगर डाइट फॉलो अच्छे से नहीं करते हो तो आपका वेट गेन वापस से हो जाता है। तो अगर आप काप साइकिल फॉलो कर रहे हो साथ में ये वर्कआउट फॉलो कर लेना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, जिम जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक स्पेस चाहिए और साथ में एक मैट चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपकमिंग मेरी वीडियो है उसका टॉपिक मुझे सजेस्ट जरूर करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लेके आऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि एक्सरसाइज करनी कैसे और मैं कितनी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कुछ 8 एक्सरसाइज, आपको चूज़ करनी एनी 5 एक्सरसाइज, और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप कैसे से फॉलो करोगे। हर एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड तक फॉलो करोगे। अगर 30 सेकंड ना हो पाए गाइस तो आप स्टार्टिंग में 20 सेकंड भी कर सकते हो, और हफ्ते वाइज आप अपना सेकंड ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। होगी कन्फ्यूजन क्लियर? प्लस सेकंड क्वेश्चन इज कितने सेट करने हैं आपको। हर एक्सरसाइज के कम से कम 4 से 5 सेट करने हैं। अगर 5 ना हो पाए तो एटलीस्ट आप 4 तो रखिए ही रखिए, क्योंकि मैंने आपको ड्यूरेशन 20 भी कर दी है और 30 भी कोई ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती। तो आपका एक सेट रह जाएगा पूरे 5 एक्सरसाइज के हिसाब से 2.5 मिनट का, और ऐसे आपको करने हैं 4 से 5 सेट। तो अगर आप मिनिमम भी 4 सेट करते हो तो ये आपका वर्कआउट टोटल रहेगा सिर्फ 10 मिनट का। तो अपने रूटीन से 10 मिनट निकालिए और ये वर्कआउट फॉलो करिए। तो पहले एक्सरसाइज बहुत ईजी है गाइस, इस तरह से आपको पकड़ना है अपनी कमर को और हल्का हल्का जंप करना है। ये आपका काइंड ऑफ वार्म एक्सरसाइज है, वार्म अप हो रहा है। 30 सेकंड तक आप ये फॉलो करोगे, बहुत ही एक्सरसाइज है। अब समझ आ गया 30 सेकंड तक। अब नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हम चलते हैं, इसमें आप करोगे बॉडी एक्सटेंशन। बॉडी एक्सटेंशन कैसे होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। लेग आपके ऐसे शोल्डर से थोड़े से बाहर रहेंगे, और जब आप ऊपर आओगे तो आपकी ये हील भी है तो अप रहेगी। ओके 1, 2, 3, 1, 8, 9, 10 30 सेकंड तक आपको ये फॉलो करनी। ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको बट किक करनी है। कैसे मैं आपको तैयार दिखा देती हूँ, बहुत ईजी ऐसे एक्सरसाइज है गाइस, और आई थिंक 30 सेकंड कुछ ज़्यादा नहीं होते। तो कोई भी बिगनर लेवल के अगर आप कर रहे हो वो भी आपसे 30 सेकंड ईजिली कवर हो जाएगा। इस तरह से बट किक करनी है ऐसे 30 सेकंड। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 3। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। 4 में हम करेंगे स्लो बर्पीज। स्लो बर्पीज में कैसे करेंगे, आ जाओ सामने से, इस तरह से आपको पोजीशन लेनी प्लैंक की। टैप टैप 1, टैप टैप 2। ये आपको ऐसे 30 सेकंड तक फॉलो करना है। 3, फोर। समझ आ गया, 4 एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, मैट पर लेट के लेग रेस करने। कैसे करने मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ ऐसे वाइड रहेंगे, अब लेग अप करने है, नी स्ट्रेट रहेगी। 1, 2, 3। मैं काउंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइमर नहीं है, तो आप 30 सेकंड का ड्यूरेशन लगा देना टाइमर आप फोन से। 5, इस तरह से, ठीक है गाइस। तो होगी तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 5।
पांचों की, तीन एक्सरसाइज और रहती है, मैं आपको तीन और बता देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6 गाइस, कैसे करनी है आपको, इस तरह से मैट पे हाथ ऐसे रखने हैं, बॉडी थोड़ी इस एंगल में रहेगी और पैर अप, 1 2 3 30 सेकंड तक, 4 5 6 7 10 30 सेकंड के हिसाब से ये भी कर लेना। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 की तरफ गाइस। 7 में आपको प्लैंक पोजीशन लेनी है ऐसे, और आपको शोल्डर टैप करने हैं, बेसिक प्लैंक पोजीशन इस तरह से, 1 1 2। इससे आपका प्लैंक जो है ये आपका बहुत इजीली टाइम निकल जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलती सिर्फ ऐसे ही करना है तो शायद आपको मुश्किल लगता, मगर आप इस तरह से एक्टिविटी करते रहोगे तो आपके लिए प्लैंक थोड़ा ईजी हो सकता है। ये आपको 30 सेकेंड तक करना है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। वो रहेंगे आपके जंपिंग जैक्स इस तरह से, 1 2 3 4 5 7 25 30। तो ये रही आपकी 8 एक्सरसाइज, उठाओ 5 एक्सरसाइज फॉलो करो और साथ में काफ साइकिल ज़रूर फॉलो करना। अगर आप गाइस काफ साइकिल नहीं भी कर रहे तो आप कोई भी कैलोरी डेफिसिट फॉलो करो और उसके साथ ये वर्कआउट ऐड कर लो, आपके रिजल्ट ज़बरदस्त आएंगे गाइस। कौन बताना कि कैसे रिजल्ट आए 21 दिन चैलेंज पूरा करने के बाद, मैं आपका वेट करूंगी। हमें अपने रिजल्ट हमारे पेज पर ज़रूर टैग करना, transformation.guru। और एक और क्वेश्चन था कि हम 21 दिन के बाद कौन सी डाइट फॉलो करें, उसके लिए गाइस यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर कस्टमाइज डाइट एंड वर्कआउट प्लान ऑन आर पेज। हमारा पेज है transformation.guru इंस्टाग्राम पे, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट करके आपकी अपनी आगे की डाइट भी फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे हो, लगे यूजफुल तो हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट बताइए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल आई एम केवी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।